नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमिता चौधरी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुनने के लिए हर कोई बेकरार था, इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में जबरदस्त जीत हुई है महायुति की। तो निश्चित तौर पर बीजेपी मुख्यालय से नरेंद्र मोदी को बोलना भी था और लोग उनको सुनने के लिए बैठे भी थे। कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाने के लिए बीजेपी मुख्यालय पहुंचे नरेंद्र मोदी ने यहां पर ऐसी ऐसी बातें कही जिसकी चर्चा दूर तक हो रही है। वक्फ बोर्ड का जिक्र कर दिया। वक्फ बोर्ड का जिक्र करते ही समझिए सामने से मोदी मोदी, भारत माता की जय के नारे लगने लगे। दिल्ली में इतनी जमीन चली गई, वक्फ जैसा शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं, और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जिक्र कर दिया नरेंद्र मोदी ने। और सही में एक चोट मारी है उन लोगों के लिए जो वक्फ बोर्ड के नाम पर खूब चिल्ला रहे हैं, खूब राजनीति कर रहे हैं, अब वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। उन सभी लोगों को मैसेज दे दिया है नरेंद्र मोदी ने। और यकीन मानिए, नरेंद्र मोदी का यह बयान कुछ हिंदुत्ववादी नेताओं को बहुत पसंद आ रहा है। कह रहे हैं कि यही वाले मोदी हमें चाहिए, कहां चले गए थे आप। नरेंद्र मोदी का बयान आपको सुनाते हैं, वक्फ को लेकर क्या कहा उन्होंने, कैसे मनमोहन सरकार को घेरा कि जाते जाते आप वक्फ बोर्ड को मजबूत कर गए। सुनिए नरेंद्र मोदी को। कांग्रेस के इस परिवार ने झूठे सेक्युलरिज्म के नाम पर उस महान परंपरा को तबाह करके दब दिया है। कांग्रेस ने तुष्टिकरण का जो बीज बोया वो संविधान निर्माताओं के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है, और ये विश्वासघात मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं। संविधान के साथ इस परिवार का विश्वासघात है। दशकों तक कांग्रेस ने देश में यही खेल खेला। कांग्रेस ने तुष्टिकरण के लिए कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की परवाह नहीं की। इसका एक उदाहरण वक्फ बोर्ड है। दिल्ली के लोग तो चौंक जाएंगे। हालात ये थी कि 2014 में इन लोगों ने सरकार से जाते जाते दिल्ली के आसपास की अनेक संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है ना, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने तुष्टिकरण के लिए वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था पैदा कर दी। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके, सच्ची पंथ निरपेक्षता को कांग्रेस ने एक तरह से मृत्यु दंड देने की कोशिश की है। साथियों, कांग्रेस के शाही परिवार की सत्ता भूख इतनी विकृति हो गई है कि उन्होंने सामाजिक न्याय की भावना को भी चूर चूर कर दिया है। एक समय था जब कांग्रेस के नेता इंदिरा जी समेत खूब जात पात के खिलाफ बोलते थे, पब्लिकली लोगों को समझाते थे, एडवर्टाइजमेंट छापते थे। लेकिन आज यही कांग्रेस और कांग्रेस का एक परिवार खुद की सत्ता भूख को शांत करने के लिए
जातिवाद का जहर फैला रहा है।